बीजेपी नेता के बेटे के लिए नियम हुए तार तार। 2 साल पहले पिता ने तोड़े नियम और 2 साल बाद बेटा भी चला पिता के नक्शे कदम पर। मामला उज्जैन जिले का है। विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में सारे नियमों को दरकिनार कर इंदौर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और बीजेपी नेता गोलू शुक्ला का बेटा रुद्राक्ष गर्भगृह में जा पहुंचा और गर्भगृह में आरती में भी शामिल हो गया। उसने खुद सोशल मीडिया पर अपना यह फोटो और वीडियो साझा किया है। जबकि नियमानुसार कोई भी व्यक्ति भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकता, केवल कर्मचारी ही गर्भगृह में प्रवेश कर पाते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि वीआईपी श्रद्धालु भी आरती में जब शामिल नहीं हो सकते तो नियमों को दरकिनार कर बीजेपी नेता गोलू शुक्ला का बेटा रुद्राक्ष कैसे गर्भगृह में पहुंच गया? महाकाल मंदिर के प्रशासक और उनकी व्यवस्थाओं पर यह सवाल खड़ा हो रहा है। चलिए अब आपको एक जानकारी और देते हैं। 18 अगस्त 2020 को बीजेपी नेता और आईडीए के उपाध्यक्ष गोलू शुक्ला भी नागचंद्रेश्वर मंदिर में इसी तरह से प्रवेश करके गए थे। उनका यह वीडियो खुद उनके साथी ने सोशल मीडिया पर डाला था। इस मामले में उज्जैन के तत्कालीन कलेक्टर आशीष सिंह ने कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड किया था और गोलू शुक्ला पर 188 की एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। लेकिन इस निर्देश का क्या हुआ और क्या कार्रवाई हुई, इस बारे में प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है।